नमस्कार, ये पूजा प्रजापति हैं और ये प्रतिभा के इतनी धनी हैं कि बड़े बड़े रोडों पे बड़े बड़े ट्रक चलाती हैं। गोरखपुर में जो इलेक्ट्रिक बस आने वाली है उसकी ड्राइवर बन गई हैं। गोरखपुर नगर निगम में ब्रांड एम्बेसडर हैं। टेनिस अच्छा खेलती हैं। हॉकी में 3 बार नेशनल चैम्पियन रही हैं। तमाम खेलों के लिए जानी जाती हैं। अभी गोल्फ खेल के आ रही हैं और इन्होंने एक बात कही है जो बड़ी शानदार है। इन्होंने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो हेलीकॉप्टर 6-7 महीने में उड़ाकर दिखा दूंगी। तो अगर भगवान किसी महिला को इतनी प्रतिभा देता है तो उससे बात करना भी जरूरी हो जाता है और लोगों तक उसकी आवाज पहुंचानी भी जरूरी हो जाती है कि लोग भी इससे सीखें। और इन्हीं से बात कर लेते हैं कि भाई इतनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करती हैं और आगे लोगों को क्या अवेयर करने वाली हैं, लोग इनसे कितना सीखने वाले हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर वाले मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या नाम है, पहले तो ये बताइए कि बस चलाने का कैसे सोच लिया आपने? सर, बस बचपन से ही मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था इसको कि मुझे ये चलाना है और चलाना है। चूँकि मेरे फादर 1973 में चरगावा से मोटर मैकेनिक से ITI किए हुए हैं और ट्रांसपोर्टर भी हैं, तो गाड़ियों वगैरह का शौक़ मेरे फादर को रहा है, तो वही प्रेरणा मैंने भी ली है, मुझे भी आ ही गया था। तो बस सर, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया और चूँकि अच्छा काम था इस फील्ड में, इस क्षेत्र में लड़कियां भी कम थीं और जो हमारा जो शहर है, सर, क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में आने से लड़कियां थोड़ा सा घबराती हैं, हिचकिचाती हैं कि समाज क्या कहेगा, ये सब काम मेरे ऊपर शोभा नहीं देती है। तो बस मैंने इसको ठान लिया कि अब मुझे इस फील्ड में उतरना है, इस क्षेत्र में उतरना है। बस वो मैं सिलसिला चलाया। मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी देखा और अन्य खेलों को भी देखा और सर जो है घर के कामों से लेकर के बाहरी कामों तक भी हर चीज़ को देखा मैंने। मैं ट्रकों का रेस लगाती हूँ ग्रेटर नोएडा में, टाटा प्राइमा हॉर्स का, वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे इनका। तो जो टाटा प्राइमा हॉर्स का रेस लगाती हूँ और मैं हवाई जहाज़ को छोड़ के, पानी के जहाज़ को छोड़ के और रेलगाड़ी को छोड़ के इस धरती पर जितने भी पहिए की गाड़ियाँ हैं, 4x4 का है, जैसे मिलिट्री का टैंक है, टैंकर है, सर ये सब मैं जो है मिलिट्री की गाड़ी हैं, 4x4 की हैं, और भी JCB है, ट्रैक्टर टाली है, हाइड्रा है, क्रेन है, और ये सब जितने भी प्रकार की गाड़ियां हैं वो सब मैं चला लेती हूँ। मुझे ठीक ढंग से कार चलाने नहीं आती है, इतनी गाड़ी मुझे तो शर्म आ रही है। लेकिन पहली बात ये बताइए कि इतनी गाड़ियाँ जब आप चला रही थी, 23 साल आपकी उम्र है, 18 साल के बाद लाइसेंस बन गया होगा, तो कुछ ऐसे वाक्य बताइए कि जब लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको मतलब सोचा होगा ना, तमाम चीज़ें कही होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला रही हो, तो क्या देखना, समाज का कैसा अंग आपको, चेहरा देखने को मिला इन सब चीज़ों में? अब सर आप तो बहुत अच्छे से ये जानते होंगे कि नज़र का इलाज है, नज़रिया का तो नहीं है। तो अब मैं ऐसी भाषा में समझ लीजिए कि मैं जिस क्षेत्र में उतरी हूँ, जिस माहौल से गुजरते हुए आज मैं आई हूँ, जहाँ पे आज मुझे नाम मिल रहा है, तो मैंने बहुत अंधकार देख के आया है इस क्षेत्र में, क्योंकि मुझे जो अपने क्षेत्र के हिसाब से जो आज के इसी डेट में इसी की वजह से आज लड़कियाँ इस क्षेत्र में आगे नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैं इस क्षेत्र में आगे आऊँगी तो मुझे ऐसे ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, यार लोग क्या कहेंगे, अगल बगल के क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो मैं वो सब चीज़ का सामना करके आई हूँ और आज देखिए मैं फ़िलहाल अपने मुकाम पे हूँ, मैंने जो चाहा वो हासिल किया। तो मैं लड़कियों को यही प्रेरणा दूंगी कि अच्छे काम के लिए अपनी सोच को बरकरार रखें, मान मर्यादा के साथ वो कोई भी काम को कर सकती हैं। तो मैंने भी इसको सोचा और मान मर्यादा के साथ मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में उतरी, मुझे टेक्निकल की भी जानकारी है और मैं यहाँ तक पहुँच गई। बस के बाद क्या सफ़र है आपका, बस चलाने के बाद अब क्या सफ़र है? बस चलाने के बाद सर, पहले तो मैं महिलाओं को, अगर मेरे से जितना संभव हो सकेगा, मैं यहाँ की महिलाओं को प्रेरित करूँगी कि आप जो है पढ़ लिख करके घर पे बैठी हैं, कुछ जीवन में आपके भी सपने होंगे, किसी कारणवश रुक जाते हैं, नहीं पूरा हो पाता है, तो आप इस क्षेत्र में आएँ। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगी कि एक जो है ट्रेनिंग एकेडमी खुलवाएं, जहाँ पे मैं लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, बस चलाने के बाद कोई टास्क आपने चुना है? बस चलाने के बाद हवाई जहाज कह रही थी उड़ाने को। हाँ हाँ, अगर मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अगर थोड़ा प्रोत्साहन और मिल जाए, तो जो शायद महिलाएँ 4 साल में जहाज उड़ाती हैं वो मैं 1 साल में कर दिखाऊँ, 10वें महीने या 1 साल में मैं कर दिखाऊँगी, क्योंकि ये मुझे अपने आप पे
भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। इतना कॉन्फिडेंट आ कहाँ से रहा है, मतलब कोई पीछे से धक्का दे रहा है या कोई इंस्पिरेशनल है कोई किसी को आदर्श मानती है ट्रक चलाने में, बस चलाने में या बॉक्सिंग करने में? मैं अपने पिताजी को आदर्श मानती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस फील्ड में मुझे भेजने के लिए। क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं बहुत घबराने, मैं भी बहुत थोड़ा सा संकोच करने, क्योंकि उस टाइम ऐसे दौर से मुझे गुजरना पड़ता था जहाँ पे लोगों की बातें मुझे शोभा नहीं दे रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था सुनते हुए। लेकिन फिर भी मैं इस क्षेत्र में आई, इनका उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जो है, अगर मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा थोड़ा सा प्रोत्साहन और मिला तो मैं जहाज़ नहीं पूरा लड़ाकू विमान उड़ा दूंगी, और यहाँ से लेके कहाँ कहाँ उड़ा दूंगी अभी इसकी कोई कल्पना नहीं है। पूजा, असल में तमाम लोगों को ये भी जानना होगा कि जब आपने बस चलाने का एक फैसला लिया, उसके बाद उसको चलाना शुरुआत की, तो आपके जीवन में कोई एक घटना ऐसी घटी होगी जो जब लगा होगा कि यार ये सब छोड़ते हैं फिर से वही काम धाम करते हैं हम भी अन्य लड़कियों की तरह, बैंक में नौकरी कर लेंगे, पढ़ने लिखने में ठीक है, पिताजी के पास ठीक ठाक संपत्ति है, उनका कुछ काम कर लेंगे, तो ऐसा कभी लगा क्या कि कोई एक ऐसी घटना हो तो हमें बताएं वो घटना, ताकि अन्य लोग इंस्पायर हों उन चीज़ों से? एक्चुअली ये बात बहुत लोगों ने मेरे से कही कि यार तुम्हें एक घटना, बस एक घटना जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रही हो, जिसका मैं लगा हो कि अब वापस आना है, और उसके उससे लड़ाई करके आपने आगे का रास्ता चुना। यही समाज था, क्योंकि समाज जब हमसे उठपटान बातें करने लगा और कहने लगा मुझे और मेरी फैमिली के बारे में, वहीं से मैंने ठान लिया मैं अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी और इस समाज को वो मैं करके दिखाऊंगी जिसके बारे में आज निंदा कर रहे हैं, और वही समाज वाले आज मुझे वाहवाही देने से थक नहीं रहे। घर पे मिठाइयाँ पहुंच रही हैं खूब? मैंने इस उपलक्ष्य में अपने गांव में जो है चना हलवा पूड़ी पूरे गाँव वालों को खिलाया, और जहाँ तक मेरे को संभव हुआ मैंने शहर में अपने जो नगर निगम के पास मजदूर जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उन सबको मैंने हलवा खिलाया और चना खिलाया। नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, क्या सोच रही है नगर निगम को लेके? अभी मैंने कल स्वच्छता रैली भी निकाली अपने इंदिरा बाल विहार चौराहे पे, क्योंकि यहाँ पे ठेले और रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा हैं, तो जो ठेले लाइन से लगे हुए हैं चाट फुल्की मोमो के, तो लोग खाते हैं डिस्पोजल इधर उधर, जबकि डस्टबिन सामने रखा भी हुआ है तो इधर उधर गिरा देते हैं। तो मैंने हर एक नागरिक को भी समझाया अपने स्तर से, अपने सूझबूझ से, और ठेले वालों को भी समझाया और दुकानदारों को भी समझाया कि आप बिज़नेस कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है, हम और आप जैसे ही लोग वहाँ खाने जाते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारा शहर है, हमारी ज़मीन है, हमारी धरती है, और इसको गंदा ना करें, क्योंकि हमें भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारा घर है, हम अपने घर में गंदगी नहीं कर रहे हैं, तो ये नागरिकों का भी फ़र्ज़ है कि अपने आप में इस बात को समझें। साफ़ सड़कों को तो इतना साफ़ रखना चाहिए यहाँ के नगर वासियों को कि इंसान रोड पर बैठ करके रोटी सब्जी खा ले कहीं पर भी, इतना साफ़ रखना चाहिए। हालांकि ये संभव नहीं है। चलिए ठीक है पूजा, आपकी सोच इतनी अच्छी है, ये वास्तव में एक अपने आप में महिलाओं के लिए मिसाल है। लेकिन जाते जाते दो तीन चीज़ें और पूछ लेता हूँ कि परिवार में कौन कौन है आपके, और क्या नाम है आपका अगला टास्क बस चलाने के बाद? मैंने पहले भी पूछ चुका है, कुछ अगर डिफरेंट हो तो बताएं, अन्य लोग भी सुनेंगे इंस्पिरेशन। अगर मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात पहुँच रही है तो मैं उनसे बस एक ही अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरे सर पे हाथ रख के थोड़ा सा मुझे और प्रोत्साहन दें जिससे मैं देश सेवा के काम आ सकूं, और अगर कभी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना बलिदान देश सेवा में लगाना चाहती हूं, बस मैं यही कहना चाहती हूं। और अन्यथा अगर ये भी संभव नहीं हो पाया तो मैं लड़कियों को पहले प्रोत्साहन दूँगी मेरे से जितना संभव हो सकेगा, अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ उसका जो भी फ़र्ज होगा मैं अदा करूँगी, उसके साथ साथ मैं भविष्य में अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि हर लड़कियों की और खिलाड़ियों की मदद कर सकूं जैसे भी मेरे से संभव हो, उसके बाद फिर मैं अपने उसी जीवन के कार्य में जुड़ जाऊंगी। तो ये पूजा थी, और पूजा का सपने जितने बड़े हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहती हैं पूजा, पूजा आगे बढ़ के महिलाओं के साथ खड़ी होना चाहती हैं। 23 वर्ष की उम्र में इतने बड़े सपने देखना शायद आज के समय में थोड़ा मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन यही लोग जब सपने देखते हैं तो अन्य लोग शायद इनसे इंस्पायर हो जाते हैं और वो भी कुछ सपने देखने लगते हैं। पूजा के इस सपने को सलाम है, पूजा काफ़ी आगे जाएँ और आगे बढ़ें, गोरखपुर सहित पूरे भारत का नाम रोशन करें, अपने जिले
जिले का, अपने शहर का नाम रोशन करें। और मुख्यमंत्री जी अगर ये बात सुन रहे हैं तो इनकी मदद करें ताकि हम भी देख सकें पूजा को हेलीकॉप्टर पर फर्राटा भरते हुए, क्योंकि ट्रक पर तो हम देख चुके हैं, स्कॉलर में आपके वीडियो चल रहा होगा कि जो बस आने वाली है उस बस पर यही पूजा चलाएंगी, जो ट्रक है वो आप देख ही रहे होंगे पूजा को चलाते हुए। तो पूजा को इंस्पायर कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। अगर आप इन्हें जान रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस तरह के किसी और प्रतिभा को जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा, हम उसके पास ज़रूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पे आपको पूजा कैसी लगी, और किसी और पूजा के बारे में जान रहे होंगे तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।